छोड़ के चलते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस तुम्हारा भाई चुका है कमाल की रैंक पुशिंग वीडियो कैसे तो वापस। आज हमारा रैंक पुश का नौवां दिन है और आप सबको भी पता है कि अब हमारा दिन में जॉब होता है तो अपन सिर्फ रात में खेल पाते हैं। तो रात में हमको जितना भी टाइम मिलता है उतने में अपन रैंक पुश करते हैं और वीडियो मतलब जो भी बना के डालना होता है तो ज़्यादा रैंक मतलब ज़्यादा मैचेस खेल नहीं पाते तो जो भी मिलता है टाइम उतने में अपन खेलते हैं। तो आप देखो इधर फाइट होती है, यहाँ पे गाइस बहुत बंदे आते हैं, तो पहले गन उठा लेते अच्छी खासी। अभी आप गाइस तो बन जाएंगे जिसको मिस कर देंगे। एक बेचारा नहीं होता था और उसका टीममेट आएगा, उसका टीममेट था कि कोई रैंडम का पता नहीं, रैंडम का थर्ड पार्टी वाला था शायद से, जिसकी सारी हेकड़ी अपनी घर ही निकाल देते, इसको भी नॉक मिस कर देते हैं। अब थोड़ा लूट कर लेते हैं गाइस, अपन ना बाद में बात करेंगे, पहले आप यहाँ की फाइट देख लो। तो गाइस अपन ना बीच में वॉइस ओवर नहीं करेंगे, यहाँ की फाइट देख लो, अपन बाद में वॉइस ओवर करेंगे। तो यहाँ पे फाइट एंजॉय करो पहले। अब यहाँ पे ना हम पे दो बंदे गाइस पुश कर देते हैं, तो एक को मैं नॉक कर देता हूँ और यहाँ पे मेरी एमो क्लास हो गई थी पूरी। तो मेरे को पहले हेल्प करना था तो मैं हेल्प करता हूँ आराम से इधर आके, और मैं देखता हूँ किसी भी गन में एमो मिल जाए, लेकिन किसी में भी एमो नहीं थी। तो मैं धीरे से एक क्रेट लूट लूँगा और इसमें से मेरे को एमो मिल जाएगी। अब गाइस ना इसका टीममेट नीचे ही खड़ा था, मतलब वो हेल्प कर रहा था और मैं लूट रहा था, तो मतलब उसको हेल्प करनी थी तो इतने जल्दी पुश नहीं करेगा तो वो ना नीचे से बहुत छाना बनेगा, तो जिसको अपन पिल देंगे नीचे जाके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे दिक्कत क्या ही होगी, अब तो तुम्हारे पास के पास आज फोन 30 है तो इजी अपन घुस के मार देंगे। पहले तो गाइस मतलब 40 FPS वाला था तो उनमें लेने से अपन डरते थे, अब तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे नीचे था और इसको अपन ईजी पिल देते हैं। क्या भाई हमारे सामने छाना बनेगा क्या, पिले जाओगे, हम भी पिले जाते थे तुम भी पिले जाओगे। तो गाइस अब हमारे ना 5 किल हो चुके थे, अब हमको इजी सर्वाइव करना था क्योंकि अच्छे खासे किल निकाल देते, अगर हम टॉप 10 भी निकाल देते मतलब तो तब तक हमारे किल ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमको सिर्फ सर्वाइव पे फोकस करना था। तो मैं इधर थोड़ा सेफ खेलने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे एक बॉट आता है जिसको मार के 6 किल हो जाते हैं। तो अब ना हम यहाँ पे बच चुके थे, अब यहाँ पे कोई बंदा नहीं था, तो मेरा मैं थोड़ा ना सेटिंग चेंज कर रहा था, तो आप मेरा सेटिंग भी देख सकते हो, ऐसा है हमारा सेटिंग। फिर बाद में बोला नहीं भाई तुम्हारा सेटिंग दिखा दो, तो अभी से देख लो, वरना हम वहाँ से ना जिंदा बच के इधर आ जाते हैं, पहली बार लाइफ में जिंदा बचे थे वहाँ से। अब यहाँ पे बंदे आते हैं, जिसको ना वैसे बहुत डैमेज देता है, मेरे को कोई नॉक नहीं होता, तो हम भी उठ के जाएंगे वहाँ पे और मार के तुरेंगे इन बंदों को। और गाइस ना मैं ना रैंडम बंदे के साथ खेल रहा था, मेरा टीममेट आया नहीं था, तो ये भी रैंडम बंदा अच्छा था, थोड़ा एग्रेशन वाला था, तो अपन सीधा पोटली पी के सीधा घुस जाएंगे वहाँ पे। और वो बंदे गाइस ना आप ऑल पे आउट सुन सकते हो क्या बोले वो, मैंने गाइस ऊपर जाने का ट्राई करता हूँ लेकिन नीचे गिर जाता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली दिक्कत नहीं थी, अपन इसे मार देंगे बंदों को भी। तो मैं पहले नेड कुक करता हूँ,
मेरे को लगा ना बंदा नीचे कूद गया, लेकिन नहीं, मेरे को गलत फुट स्टेप आया थोड़ी सी, तो मैं ना नेट नीचे डाल देता हूँ, लेकिन वो मिस्टेक थी वाली। अब बंदा देखना कहाँ पे, देखो तो गाइस ना बंदा हैकर बोल रहा था, मतलब वॉल पे बोल रहा था कि हैकर है क्या, उसके टीममेट से ना वो पूछ रहा था, लेकिन कोई हैकर नहीं था यहाँ पे। अब जोन कट चुका था तो हमको वो जोन में भी जाना था, और पूरा मतलब ये नदी क्रॉस करना था। तो क्या देखो अपन कैसे सर्वाइव करते हैं। और गाइस हाँ, इसमें तो ना चिकन होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखना हमने कैसे चिकन लिया, आपको सब सीखने मिलेगा। तो देखो अब मैं ना यहाँ पर नॉक हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सब बंदे ऊपर चढ़े थे, तो वहाँ से मेरे को पड़ता है मैं नॉक हो जाता हूँ, लेकिन कोई ना अपन रिवाइव हो जाएंगे। अब मेरे को ना मेरा टीम में रिवाइव कर देता है। अब हमको जोन में जाना था, और जोन पीछे से आ चुका था, तो हमको पूरा क्रॉस करना था। तो हमें स्पाइडरमैन में सुपरमैन वाली शक्ति यूज़ करते हैं, और इधर आ जाते हैं, तभी लैम्बोर्गिनी वाला बंदा सामने आता है हमारे। जिसको अपन इजी नॉक कर देते हैं, अब उसके भी गैस दो बंदे थे, मतलब दो बंदे थे या दूसरे बंदे पता नहीं। तो देखो मेरे को ना 1 HP कर देते, लेकिन मैं यहाँ पे अग्रसन दिखाने जा रहा था, लेकिन ज़्यादा अग्रसन नहीं दिखाएंगे, तो मैं पोटली पे की सीधा पीछे भागूंगा, क्योंकि ये भी फाइट लेना बहुत मतलब हम मर सकते थे यहाँ पे। तो मैं इधर आता तो एडवांटेज लेने का फ़ायदा, मतलब एडवांटेज लेना चाहता था, तो अपन एडवांटेज ले लेते। अब इसका गाइस ये डिसीजन मेरा देखना कितना सही निकलता है। तो मेरा वो किला आ जाता लैम्बोर्गिनी वाला, अब यहाँ पे ऊपर बंदे थे, तो मैं नेट डालता, लेकिन यहाँ से कुछ होता नहीं नेट से। अब कैसे अगर आपको बताओ तो इसी बंदे ने मेरे को नॉक किया था, और एक नहीं दो दो बंदे गए जिसके ऊपर चढ़े थे। अब तो ना सब बंदे ना मतलब सुपरमैन स्पाइडरमैन बने फिर रहे हैं, क्योंकि ये BGMI वालों ने शक्ति दी। अब हैकर कौन है कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन कौन सा बंदा हैकर है, कौन सा बंदा लेजेंड है, क्योंकि सब ना फ्लैश मतलब समझ सकते हो आप, मतलब अगर आप BGMI खेल ले रहे हो तो आपको पता ही होगा क्या क्या मतलब BGMI वाला ला रहे हैं अंदर। अब ये बंदा नीचे आता है, तो देखो कितना मासूम बन रहा था। अब ना ये बंदा कैसे मासूम नहीं बन रहा था, ये नीचे कूद गया था, तो बेचारा कैम्प कर रहा था आराम से, क्योंकि ऊपर से तो भाई सब गिर गए थे। अब दोबारा तो ऊपर जा नहीं पाएंगे, तो नीचे मतलब आके मासूम बन रहे थे। अब उसका एक दूसरा बंदा ना ऊपर था, अब एक वो दो हम और एक और बचा था, तो इसको ना ये बंदा मार देगा, तो यही अकेला बचता है। तो देखो अभी इसको कैसे मारता हूँ, देखो उसको मतलब दूसरे एक बंदे को इसने फिनिश कर दिया, अब एक बंदा बचा था। तो अभी फाइट देखना, मतलब कैसे बंदा बहुत तड़पाता है, लेकिन लास्ट में इस बंदे को अपन मार देंगे। अब देखो मैं नेड़ मार मार के थक चुका था, तो अब मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। यहाँ पर मैं उसको बहुत सारा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे बच गया। तो मैं फिर से नेड़ मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन नेड़ से कुछ होता नहीं फिर भी। तो मैं ना एंगल बनाने जाऊँगा पूरा। अब मेरा गाइस दो नंबर ना कैसे नेड़ मारा था पता नहीं, हम पे भी नेड़ आ रहे थे, तो मैं थोड़ा दूर भागता हूँ यहाँ से, क्योंकि गाइस रैंडम था, इसका कुछ भरोसा नहीं था। हम पे भी नेड़ मार देगा, देखो कितने क्लोज में नेड़ गिर रहे थे। अब गाइस जिस बंदे ने मेरे को परेशान करके रख दिया था, तो मैं तो पूरा इधर आ जाता हूँ। अब देखो भाई सबको कैसे मारते हैं, तो उस बंदे का ध्यान ना मेरे टीममेट पे था। अब देखो भाई बहुत हो गया, चलो आप भी लॉबी जाओ। तो पहले तो मैं नेड़ मारता हूँ, लेकिन नेड़ से कुछ होता नहीं है, यहाँ पे नेड़ कुछ काम ही नहीं आ रहे थे। तो देखो अपन तो फाइनली गाइस हमारा चिकन आ जाता है। अगर आपको वीडियो कैसा लगे मेरे को कमेंट करके बताना, और हाँ अपन किस चीज़ पे वीडियो डाले वो भी कमेंट करके बता देना। तो तब तक के लिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे एक मिनट में वापस, आई लव यू ऑल।